जयते गोपाल चूड़ामणि, राधा करावचित बल्लभ बल्हरिके, राधा पदांक विलस मधुरस्थलिके, राधाम जस मुखम खंगांग बलिके, राधा विहार विपिने रमतांग मनोमे, वृंदाई तुलसी देवै प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे जय गोसाई जाहा विघ्ननाश अभीष्ट पुरण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्री मद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्री मद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा की दशम स्कंद कथा को। उसमें जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद को शुरुआत करते हैं, शुरुआत से पहले ये कृष्ण कथा की क्या महत्व है, हम कृष्ण कथा सुने क्यों, कृष्ण कथा से हमें क्या लाभ है, इसलिए उन्होंने कृष्ण कथा की बड़ी बड़ी महिमा उन्होंने बताई। किसने तो कहा जो कृष्ण कथा को श्रवण करते हैं ये कृष्ण कथा नहीं मानो ये अमृत है, ये कृष्ण कथा अमृत है। किसने कहा ये अमृत तो है ही है, कहते किसने बोले ये मधु है, जो शहद है वो मीठा भी है मधुरता भी है। किसने बोले ये कृष्ण जो कृष्ण कथा है ये क्या है, जो भवसागर से पार होना चाहते हैं सबसे जो बड़ा सुंदर मेडिसिन ये है, ये दवा है, ये कृष्ण कथा को पान करो तुम्हारी सारी बीमारी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। किसने बोले ये जो कथा है ये रसायन है, ये रसायन है, रसायन मतलब 10 तरह का जड़ी बूटी से ये रसायन बनता है, जिसको पान करने से जितने सारी बीमारी शरीर की खत्म हो जाती है, इसलिए रसायन पीवा, इसको रसायन बोले। कहीं कहीं पर बताया ये जो भगवान की जो कथा है ये कथा नहीं, कति निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संगतम, ये जो भगवत कथा नहीं कहती ये कल्प वृक्ष है। बोले कल्प वृक्ष किसको कहते हैं, बोले जिस वृक्ष को नीचे बैठ करके आप जो कुछ उससे मांगो कहते वो वृक्ष समस्त इच्छाओं को ये पूरी करने वाले ये कल्प वृक्ष है। इसलिए भागवत कथा को अलग अलग सबके सब नाम बताए, कृष्ण कथा की कितने महिमा है, कितने महिमा है। इसलिए दशम स्कंद शुरुआत से पहले वो जो उसको पहले जो अध्याय है उसमें कहते कल कलो जनिष्यमानानं दुख शोक तमो निदम अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यम देतने तेजसा। मतलब भगवान इस जगत में अपना कथा को क्यों रख कर गए,
अपना जस को क्यों रख कर गए? तो इसका कारण कहते हैं, बोले कलो जनिश्च मानाना, कहते जो कलिजुग का जो जो व्यक्ति कलिजुग में जन्म ग्रहण करेंगे, इसलिए इसका नाम ही बताया कली। कली मतलब क्या है? सर्वत्र झगड़ा अशांति, भाई भाई में झगड़ा, बहू बहू में झगड़ा, पड़ोसी में झगड़ा, ऑफिस में जाओ झगड़ा, हैं जहाँ देखोगे झगड़ा। इसलिए झगड़ा का पगर जगत में कुछ भी नहीं, इसलिए ये युग को बताया ये कली युग है, हैं। और कली युग में बोले प्राप्ते कली युगे घोरा नरापन्ना विवर्जिता, ये कली युग आने पर लोग समस्त धर्म कर्म को परित्याग करेंगे। बोले दुराचार व्रता सर्वे, सबके सब कली युग में सबके सब पाप कर्म में लिप्त हो जाएंगे, हैं। सबके सब दुराचार में स्वाभाविक रूप में लोग का जो मन है सारी गंदी चीज में अपने आप बन जाएंगे। और भजन करने के लिए तो समय निकाल करके आप देखना, हम सोचते हैं सवेरे नहा धो करके तिलक लगा करके आचमन करके थोड़ी समय भगवान के भजन कर, देखना आधा एक घंटा बैठो एक मिनट भी मन नहीं लगता है। आंख बंद करके मंत्र जप करते ही बस जितने दुनियादारी इधर उधर की बात मन में अपने आप आता है, भगवान का बात तो आता ही नहीं भगवान के मन में, सारा दुनियादारी चीज मन में आती है। इसलिए बोले प्राप्त कली नरा पुण्य विवार जिता दुराचार रता सर्वे, सबके सब दुराचार में रत हो जाएंगे। सत्य वार्ता परान मुख, कोई तो सच बोलेगा ही नहीं, वो सबके सब कलयुग में झूठ का छूठ सब आश्रय ग्रहण। इसलिए ये बोले कलो जनिश्च मानाना, और भागवत में बताए बोले क्या बोले, बोले कलियुग में बोले प्रायण अल्पाय उस सभ्य, कलियुग का जो जीव का जो परम आयु विशेष करके कम होता जाएगा, क्यों कोई चीज प्योर मिलेगा नहीं, क्यों कलियुग का परमायु बताया 100 साल है, लेकिन अभी 100 साल कौन जिंदा रहता है, क्योंकि हर चीज में हर चीज में क्या मिला हुआ, हाइब्रिड मिला हुआ है। आपको बाजार में लिखा होगा शुद्ध घी है, कोई बोल रहे थे जो जहाँ पर गौशाला है जो प्योर घी का जो कीमत है 2200 रुपया से कम नहीं 1 किलो घी, लेकिन आपको 500 रुपया में 600 रुपया में 1000 रुपया मिल रहा है, मतलब क्या, वो घी है ही नहीं, उसमें सब मिलावट चीजें है, लेकिन हमें क्या लगता है 500 रुपया में हमें 101 किलो हमें घी मिल गया, लेकिन जो प्योर घी है बोले 2100 रुपया 2200 रुपया है, तब फिर उसमें कहाँ से आया। और जितने फल है जितने सब्जी, बस रात में इंजेक्शन दे देते हैं दूसरे दिन बड़ा हो जाता है। अब कलयुग में कोई प्योर चीज आपको मिलेगी नहीं, इसलिए धीरे धीरे लोग कलयुग का जो परमाणु धीरे 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 घटते जाएगा। और फिर जो इंटरनेट मोबाइल स्मार्टफोन इस दुनिया को पूरा पूरा बर्बाद कर दिया, इसने सबके सब जीवों को ये बर्बाद कर दिया, ये सब चीजें ब्रह्मचर्य पालन करने देता ही, बचपन से गंदी गंदी उल्टा सीधा चीज देखते रहते हैं। इसलिए बोले कलयुग में कहते प्रायण अल्पाय उस सभ्य, कलयुग में प्राय करके लोगों का परमायु धीरे 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 घटते जाएगी। यहाँ तक कलयुग वर्णन आया है, लोग इतने बड़े बड़े बन जाएंगे, इतने बड़े बड़े। अब देखो आपका परिवार के लोग देखो कितने लंबे चौड़े हटे गटे देना, हर समय में लोग धीरे 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 नाटा धीरे धीरे छोटे होते हुए आ रहे, क्योंकि प्योर चीज है ही नहीं, ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेंगे धीरे धीरे लोग धीरे 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 छोटे होते जाएंगे। बोले इतने छोटे हो जाएंगे बैगन का पेड़ से बैगन भी नहीं तोड़ सकते, उसके लिए भी डंडा लेकर के सीढ़ी लगा करके तोड़ना पड़ेगा। ये कलयुग का वर्णन आया है, इसलिए बोले दुराचार जरता सर्वे, इसलिए कलयुग में क्या होगा, प्रायण अल्पायु सभ्य कला बस्मिन युगे जना मंदास मंद मतयो, कलयुग में लोगों का जो मन है मन बड़ा मंदमति हो जाएगा, मंदा सुमंद अत्यंत मंद हो जाएगा। जुपद्रुता, जुपद्रुता मतलब अगर पत्नी अगर सत्संग में आकर के बैठ करके थोड़ा भजन करना शुरू करे, पति बोले कौन सा बाबा के चक्कर में पड़ गई तू, हाँ दिन रात जब देखो माला लेकर बैठ जाती है तुम तो।
पति अगर किसी सौभाग्य क्रम से संतों की संग मिल जाए, अगर पता चले ये जीवन कितना दुर्लभ है, 84 लाख जन्मों के बाद में मिला, ये जीवन में भजन करनी चाहिए। अगर पति थोड़ा अगर सत्संग में बैठकर भजन करे, पत्नी बोलेगा कोई काम धाम कुछ है नहीं, जब देखो माला लेकर बैठ जाते हो, गीता भागवत रामायण पढ़ लेते हो। इसलिए बोले कलयुग में इतने उपद्रव कलयुग में, इसलिए यहाँ पर कहते भगवान कृष्ण जगत में क्यों आए और ठाकुर जी इतने सुंदर सुंदर लीला किस लिए रचाए, इसलिए कहते कारण ही बोले कलौ जनिसमानानां दुख शोक तमो निदम। कलयुग में लोग सबके सब तरह तरह का दुख और कष्ट से, तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई शरीर से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, दुखी 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 कलयुग में हैं। बोले ये दुख से कलयुग का जीव कैसे उत्तीर्ण हो, बोले अनुग्रहाय भक्तानां, भगवान अपना भक्तों को ऊपर में अनुग्रह करने के लिए, ठाकुर जी अनुग्रह करने के लिए, बोले सुपुण्यम वेतनेत जसा, बोले भगवान की जो कथा है अत्यंत अत्यंत पुण्यदायक कथा है। जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनेगा उसको मन को बड़ा शांति मिलेगा, मन को बड़ा आनंद मिलेगा हैं। अब देख लेना जितने समय हम सत्संग में बैठते हैं, भगवत कथा में बैठते हैं, देना दिन भर उतना समय हमारे ठाकुर के चरण में लगा रहता है, उतना समय मन को शांति मिलती है। कथा से निकलते ही फिर तो सारी दुनियादारी दुनियादारी की उल्टा पुलटा चीज दिमाग में फिर आने लग जाती है हैं। इसलिए जितना समय हम भगवान की कथा में बैठेंगे उतना समय मन को हमारे शांति, मन को सुख मिलता है उतना समय। इसलिए कहते सुपुण्यम व्यतनत जसह, इसलिए भगवान कलयुग, भगवान इसलिए कृष्ण कलयुग आकर, कलयुग का पहले आकर के ठाकुर जी अत्यंत अत्यंत पवित्रमय ठाकुर ने ये लीला की है। जैसे जीव भगवान की कथा सुन करके उसका मन धीरे 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 ठाकुर की चरण में लग जाए और जीव को परम शांति और परम आनंद जीव को प्राप्त हो। बोले जस्मीन सत्कर्ण पीयूषे सत्तीर्थम बरे सकृते श्रोतांजलि उपस्पृश्य धुन्नते कर्म वासनाम। के जस्मीन सत्कर्ण पीयूषे, यहाँ पर बताया भगवान की जो कथा है, कहते ये कथा को कौन सुन सकते हैं, बोले कथा सभी नहीं सुन सकते, कथा में सहज में किसका रुचि नहीं होगा। अब देखना टीवी में अगर सीरियल आ जाए 3-3 घंटा बैठ कर देखें, और स्मार्टफोन देखे तो कोई बात नहीं, दिन भर इधर उधर की बात देखते रहे। लेकिन बोल भैया 10-15 मिनट ठाकुर की कथा सुनो थोड़ी भजन कर, बोले समय कहाँ है हमारे पास में, समय कहाँ भगवान की भजन भगवान की कथा सुनने की, समय कहाँ है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले जस्मीन सत्कर्ण पीयूषे, बोले कथा को सभी नहीं सुन सकते हैं। इसलिए शंकर जी ये बात पार्वती को भी कहते हैं, आवाज सही आ रही है, आ रही है। इसलिए शंकर जी पार्वती को भी यही बात कहते हैं, बोले पार्वती भगवत चर्चा भगवत कथा कौन सुन सकता है, बोले अति हरि कृपा जा पर होइ पाब देहि एह सा गत सोई। बोले पार्वती अति हरि कृपा जा पर, बोले जिसको पर में हरि की विशेष कृपा हो, जिसको पर में ठाकुर की बड़ी कृपा हो पार्वती, पाप देह यह संगत सोई, वही व्यक्ति को ही यह सत्संग प्राप्त होता है। इसलिए शंकर जी कहते कथा सुनने के लिए मैं कैलाश छोड़ देता हूँ पार्वती, और इसे मर्त्य जगत में आकर के संतों की चरण में बैठ करके मैंने ये कथा रस को पान करता हूँ है। इसलिए इसलिए जस्मिन सत्कर्ण, बोले जिसका कान ने बहुत करोड़ों करोड़ों जन्म की कोई पुण्य उदय हुआ हो, कोई भाग्य कोई उदय हुआ हो, कोई सत्कर्म उदय हुआ हो, तब भी उसको कहीं भगवत कृपा व भगवत संग व भगवत कथा तभी सुनने को मिलेगा, नहीं तो भगवत कथा सुनने को जीव को सहज में नहीं मिलती हैं, हैं नहीं मिलती हैं। इसलिए भागवत में बताए
जिन्होंने ये कर्ण पा करके, कानों को पा करके भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं भैया, उसको कान का ही सार्थकता है, उसकी कान का सार्थकता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवत चर्चा छोड़ करके दुनियादारी चर्चा सुनते हैं, सुतो गोस्वामी कहते बिल्लो बत, जिस बिल में जहरीले सर्प रहते हैं, ये कान नहीं, ये क्या है, ये दो बिल है जिसमें जहरीले सर्प रहते हैं। जहरीले सर्प मतलब क्या है? अगर हम बैठ करके हरि चर्चा नहीं करें, हरि कथा नहीं सुने, क्या होगा? दुनियादारी, उसको बहू के साथ में से लड़ाई हो गई, उसको भाई भाई में लड़ाई हो रही है, बहू वह में बन नहीं रही है, वहां पर देखना सारा दुनिया की बैठ करके बात करेंगे, उल्टी पुल्टी बात सुनते रहेंगे, उल्टा पुल्टा कथा सुनते रहेंगे। इसलिए कहते भैया, जिनकी कान में भगवान की कथा प्रवेश करता है उसी कान का सार्थकता है। अगर जिस कान में भगवती कथा प्रवेश नहीं करता है, सुतो गोस्वामी कहते हैं जैसे जहरीले सर्प, जहरीले सांप जिस बिल में रहते हैं, वो दो बिल है जिसमें दुनियादारी की कथा सुनते हैं। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती, बोले मंजन फाला देखाई तत्काला, मंजन फाला देखाई तत्काला, हंस होई पिका बकव मराला, मंजन फाला देखाई तत्काला। इसलिए माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न करते हैं, बोले भोले बाबा, आप तो सत्संग की इतने महिमा गाते हो, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एको बार, आप तो सत्संग की इतने महिमा गाते हो, सत्संग का क्या फल है, आप क्यों सत्संग की इतने महिमा गा रहे हो? शंकर जी कहते पार्वती, अगर ये सत्संग रूपी गंगा में अगर कोई, बोले बकव मराला, अगर कोई बगुला अगर उसमें गोता लगाता है ना, वो बगुला बगुला नहीं रह जाएगा, वो हंस हो जाएगा। मानस सरोवर में जो हंस रह करके जो मधु की है, कमल के मधु का आस्वादन करता है, बगुला क्या करते हैं, दिन भर देखना कीड़े मकोड़े देखकर कहाँ पर कीड़े मकोड़े मिले वहीं पर खाता है। लेकिन राजहंस वो मानस सरोवर में कमल का मधु का आस्वादन करता है। बोले पार्वती, फिर तो भगवत कथा अगर कोई सुनेगा तो फिर वो बगुला नहीं रह जाएगा। बगुला देखने में भी सफेद है और हंस भी देखने में सफेद, दोनों ही सफेद है, लेकिन एक तो कीड़े मकोड़े खाता है और एक मधु का पान करता है, हैं? मतलब भगवान की कथा रूपी मधु का आस्वादन करता है। कहते जो काक जो कौआ, अब देना कौआ भी काला है, कोयल भी काली है, दोनों ही देखने में काले हैं, लेकिन देखो कौआ अगर ज्यादा बैठ कर का 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 करने लग जाए ना, बोले कब से बैठ कर का का, कान दर्द हो गया। लेकिन बसंत ऋतु में जब कोयल जब कुहूकती है, कितने मीठी आवाज आती है कोयल की, कितने मीठी आवाज आती है। इसलिए मन उसको, मन को शांति मिलती है। कहते भगवान की कथा रूपी अगर कौआ अगर सुनेगा, मतलब क्या है, जो दुनिया की बात को का 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 दिन भर बोल करता रहता है, लेकिन अगर वो सुनेगा ना, वो कौआ कौआ नहीं रह जाएगा, वो कौआ कोयल बन जाएगा। हम लोग भी पहले कौआ ही थे सब, दुनिया की इधर उधर की बात बोलते थे, लेकिन सत्संग में आए, गुरु जी की शरण में आए, तो अभी हम इधर उधर की बात नहीं करके किसकी बात करते हैं, ठाकुर जी की बात करते, भगवान की चर्चा करते, भगवान की बात करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते बोले जस्मीन सत्कर्ण पीयूषे, करोड़ों करोड़ों जन्म का जब कोई पुण्य उदय होता है तभी ये कानों में भगवत कथा, ठाकुर जी की कथा तभी ये कानों में प्रवेश करता है, नहीं तो ये कानों में भगवत कथा प्रवेश नहीं करती है। इसलिए सत्कर्ण पीयूषे, इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया भगवान की जो कथा है क्या है, ये अमृत है, ये अमृत है। पीयूषे बोले जस तीर्थ
बरे सक्री बताया जसस तीर्थ। भगवान की कथा कैसे है? तीर्थ है। भगवान की कथा कैसे है? तीर्थ है, हैं? इसलिए बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथा चुतादर कथा प्रसंग। इसलिए से सुतो गोस्वामी कहते हैं सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र। पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ कहाँ पर है, कहाँ पर ये सारे तीर्थ है? सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथा चुतादर कथा प्रसंग। जहां पर भगवान अच्युत की कथा हो रही है वहीं पर ही ये पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर है। कथा रूपी गंगा में अगर हमने स्नान कर लिया तो क्या हो गया? पृथ्वी का सारे तीर्थ में बैठ बैठ कर नहाना हो गया तुम्हारी। पृथ्वी में कितना तीर्थ है? बोले 6 अरब। कितना? 1 अरब। कितना होता है? 100 करोड़ में होता है 1 अरब। और 6 अरब कितना हो गया? 600 करोड़ तीर्थ में जो भगवत कथा को अमृत को पान करते हैं वो बैठ बैठ करके 600 करोड़ तीर्थ में स्नान हो गया तुम्हें। बोले उससे भी ज्यादा फल है तीर्थ है, उससे भी ज्यादा फल। तीर्थ जाने से क्या होता है? आज गए तीर्थ में नहाया, इधर क्या किया? घी में डालडा लाल दिए और तेल में उल्टा पुल्टा चीज जाकर बेच बाज दिया। कंकड़ डाल दिया दाल में, पत्थर डाल दिया किसमें? चावल में करके उधर क्या किया? उधर तो पाप कर्म कर लिया। बोले चलो गंगा में नहाकर पाप धोकर आ जाएंगे। फिर गए गंगा में नहाकर पाप धोकर आकर फिर दोबारा शुरू कर दिया, हाँ? फिर दोबारा वही पाप करना शुरू कर दिया। लेकिन हृदय उसकी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन कथा रूपी गंगा में कोई स्नान करेगा तो क्या होगा? उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय से ही पाप करने का जो वासना है उसका हृदय से पाप करने का वासना हृदय से ही दूर हो जाता है। इसलिए बोले, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जय खाने हरि कथा सही खाने तीर्थ। बोले तीर्थ कहाँ पर है? बोले तीर्थ जहाँ पर भगवत चर्चा हरि चर्चा है प्रभु की कथा वहीं पर तीर्थ है। सारे तीर्थ बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथा चुतादर कथा प्रसंग। जहां पर भगवान अच्युत की कथा है पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर ही निवास है। कथा सुन लिया मतलब सारे तीर्थ में नहा लिया। अगर कथा को छोड़ करके सारे तीर्थ में घूमने के लिए गए, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बड़े सुंदर भजन लिखा है। बड़े सुंदर भजन लिखते हैं, बोले ए मन तू तीर्थ सदा रहता। बोले ओ मन तुम सब समय चाहते तीर्थ जाए तीर्थ जाए तीर्थ जाए। तीर्थ सदा रहता कहाँ पर? बोले अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया आर जतो आछे। और जितने सारे तीर्थ है तुम चाहते सारे तीर्थ जाए। तुम क्या चाहते हो इसलिए तुम तीर्थ करना चाहते हो? तुम ही चाहो भ्रमि बारे ए सकल बारे बारे मुक्ति लाभ परिवार तरे। हमारे भारतीय संस्कृति है लोग कहते अगर सारे तीर्थ में घूम गया तो हमारी मुक्ति हो गई, हम चारिधाम कर दिया तो मुक्ति हो गई। लेकिन वो संत कहते हैं बोले ए सकल तब भ्रम निरर्थक परिश्रम चित्त स्थिर तीर्थ नहीं करें। ये जो बात शास्त्र में बताई तुम बोलते हो मुक्ति हो जाए, तुम्हारी भ्रम है, ये तुम्हारी भ्रम है कि तीर्थ घूमने से मुक्ति हो जाएगी, ये भ्रम तुम्हारी है। ये सकल तब इसलिए चित्त स्थिर तीर्थ ना ही करे। जैसे आज कोई तीर्थ में गए ना, कल हो चलो अमुक तीर्थ में जाएंगे, बोले अमुक तीर्थ हो गए, बोले अमुक तीर्थ में जाएंगे, बोले मन में चंचलता आ जाती है, हैं? तब फिर कहते भैया शास्त्र में बताया तीर्थ करनी चाहिए, कहते ना चार धाम करो सब तीर्थ में जाओ, शास्त्र में तो बताया। तब कहते हैं शास्त्र में क्यों बताया तीर्थ करने के लिए जाएंगे? तो उसका रहस्य कहते हैं बोले तीर्थ फल साधु संग, साधु संग अंतरंग श्री कृष्ण भजन मनोहर। अगर तीर्थ में जा करके संतों के संग मिला, सत्संग तुम्हें मिला, प्रभु की कथा सुनने को मिला, समझो तुम्हारी तीर्थ जाना सार्थक हो गया। तुम्हारी हृदय से ही सत्संग से तुम्हारे हृदय से सारी गंदगी वो तभी निकलेगा जब सत्संग तुम्हें प्राप्त होगा। सत्संग प्राप्त होगा
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी गया गए थे। महाप्रभु गया पिंड देने के लिए, पिताजी के पिंड देने के लिए गए, लेकिन जब उन्होंने अपना गुरु जी को दर्शन किया ना ईश्वरपुरी की, भगवान कहते हैं आज मेरी तीर्थ आना सार्थक ना हो गया। प्रभु बोले गया यात्रा सफल आमा, आज गया आना मेरी सार्थकता हो गया। बोले क्यों? आज मैं अपना गुरु पाद पद्म का चरण का दर्शन किया, गुरु जी से मैंने दीक्षा प्राप्त करते हुए भगवत भजन करना शुरू किया। हे गुरुदेव, आपके चरण में मैं समर्पित होता हूँ, आप कृपा करके हमें ये भव सागर से तार लो। इसलिए भगवान स्वयं कहते बात को, इसलिए बोले तीर्थ फल क्या है? बोले तीर्थ फल साधु संग, संतों का संग है, साधु संग अंतरंग। जब वो संत से भगवान की कथा सुनेंगे, श्रवण करते हुए प्रभु के भजन में लगेंगे, तभी हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए वो संत कहते हैं जे तीर्थ वैष्णव नाही से तीर्थ ते नाही जाई, किला व हटिया दूर देश। अगर हमने कोई तीर्थ में गए लेकिन हमें कोई सत्संग प्राप्ति नहीं हुआ, प्रभु की भजन के बारे में नहीं सुना, फिर तो तीर्थ जाना बेकार हो जाएगा। इसलिए तथा तीर्थ जथा साधु तथा तीर्थ, बोले तीर्थ कहाँ पर है? बोले जहाँ पर साधु लोग हैं। बोले स्थिर करी निज चित्त, अपना चित्त को स्थिर करते हुए संतों के संग करो, उपदेश को पालन करते हुए जीवन को प्रभु की भजन में लगा दो, प्रभु की भक्ति में जीवन को लगा दो। हैं बोले गिरि तथा गोवर्धन, भूमि तथा वृंदावन। बोले गिरिराज गोवर्धन वहीं पर है, वृंदावन वहीं पर है, वहीं पर राधा कुंड श्याम कुंड, वहीं पर पृथ्वी का सारे तीर्थ कहाँ पर? जब हम संतों की कथा अमृत में हम गोता लगाएंगे। इसलिए कहते विनोद कहिए भाई, भ्रमिया की चुलाभ नहीं वैष्णव सेवन मर अमृत। कहते अगर जीवन में संतों का संग हुआ, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हुए ये जीवन को अगर प्रभु का भजन में लगा दिया तो समझो तीर्थ तुम्हारी सब तीर्थ हो गया, सारे तीर्थ हो गया। नहीं तो क्या होगा? तीर्थ में जाएंगे नहाएंगे, पाप को धोकर तो आ जाएंगे, फिर घर में आकर फिर दोबारा वही पाप करना शुरू कर, पहले जैसे झूठ बेईमानी उल्टा पुल्टा जो काम करते, फिर घर में आकर के दोबारा फिर शुरू कर दे, फिर गया तीर्थ जाने। इसलिए भागवत में उदाहरण दिया जैसे हाथी स्नान, जैसे एक हाथी को तालाब में उतार करके मल मल कर अच्छे तरह इसको स्नान करा दें, लेकिन हाथी जब फिर ऊपर आएगा ना, पहले धूल ढूंढेगा, सारे धूल का फर करके उड़ाएगा, फिर जाएगा। हैं इसलिए तीर्थ का असली, इसलिए यहाँ पर कहते हैं जस तीर्थ बरे सक्री, भगवान की जो जस है, भगवान की जो कथाएं हैं, वही असली तीर्थ है। अगर एक बार यहाँ पर कहते सक्री, सक्रीत मतलब एक बार, अगर किसी ने एक बार भी प्रभु की कथा को ये कान रूपी है इंद्रियों को द्वारा अगर भगवत कथा को श्रवण करते हैं, बोले श्रोतांजलि रूप स्पृश्य। उदाहरण दिया है जैसे कोई पानी है ना, हम पानी को कैसे पीते हैं? अंजलि करके, ऐसे करके पीते हैं ना पानी को, किसी पानी को हम ऐसे पान करते हैं। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया, देखो कानों को देखो, जैसे दौड़े में कोई चीज को पीते है ना, दौड़े में कानों को देखो जैसे दो दौड़ा बना हुआ है, ये कान है ना, कान को जैसे दो दौड़े में जैसे पान करते हैं कटोरी से, ये कानों भी दो कटोरी बना हुआ जैसे। इसलिए बोले श्रोतांजलि, जैसे अंजलि करके हम पानी को पान करते हैं, ये कथा रूपी दौड़े में क्या करो, कृष्ण की सुंदर सुंदर कथा सुनो, भगवान की सुंदर सुंदर कथा को पान करो। बोले कृष्ण कथा पान करने से क्या होता है? बोले श्रोतांजलि रूप स्पृश्य धुनते कर्म वासना, हृदय में जितने कर्म वासना हमारी है, जितने तरह का हमारी कामना वासना धुनते, सबके सब धुल जाए, ये सबके सब खत्म हो जाएगी। इसलिए क्या करो, भगवान की कथा रूपी अमृत को दोनों कानों से भर भर करके इसको पान करो, बाद इसी से जीव का कल्याण हो जाएगा। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये दशम स्कंध को शुरुआत कर रहे हैं, वो शुरुआत से पहले उन्होंने ये श्लोक को द्वारा उन्होंने भगवान की कथा रूपी जस को पान करने से क्या होता है, यहाँ पर उन्होंने उसकी महिमा बताए। फिर उन्होंने और क्या बताते हैं, फिर कल सुनेंगे। तुम कुछ बोलते क्या, आ जाओ, फटाफट आ जाओ, चलिए।
हाँ हमारे प्रभु जी आपको थोड़ी सी और कथा सुनाएंगे। इसको उधर उस तरफ घुमा दे। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म आचार्य तिरुंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। गुरुदेव ने आज्ञा दी है कुछ हरिकथा सुनाने के लिए। जैसा कि अभी हम सब कथा में सुन रहे थे कि भगवान की कथा श्रवण का क्या महत्व है। अच्छा, एक चीज और हमने श्रवण करी कि तीर्थों में हम लोग जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं तो देखो गुरुदेव ने जो बात बताई उसमें एक तुलसीदास जी की भी एक चौपाई याद आई। देखो किस प्रकार से बता रहे हैं कि तीर्थ में जाने का वास्तविक फल क्या है। वो कहते हैं तीर्थ नहाए एक फल संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल तुलसी कहत विचार। वो कह रहे तीर्थ में जितने भी तीर्थ में नहा लो उसका फल कितना बताया, एक। कितना बताया, सिर्फ एक। और संत मिले फल चार और सदगुरु मिले अनंत फल, माने कुल मिलाकर के तीर्थों में जाने का जो फल है वो क्या बता दिया, कुल घुमा फिरा करके साधु संग। और अभी जब हम सुन रहे थे गुरुदेव ने बड़ा सुंदर जो सुकृत जो बताया कि किस प्रकार ये जो कान है इससे हमको भगवान की कथा को भर भर के पान करना चाहिए। फिर ये कान का क्या चक्कर है, जहां भी सुनो कानों से सुनो, है ना, यश्याम वैश्व यह माणा नाम, है ना, सुनो 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 कान। हमेशा कान का ही क्यों बताया, ये जो कान है ये एकमात्र इंद्रिय है जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं। जब हम मातृ गर्भ में होते हैं बताया कि जो हमारी सारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है और जो जीव है उनके अंदर चार दोष तो है ही, विप्र लिप्सा कर्ण पाटव भ्रम, ये सब जो चार दोष है नित्य विद्यमान है। इसलिए हम पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते, हमारी इंद्रियां हमेशा धोखा देती है हमको, आंखें भी धोखा देती है, सब इंद्रियां धोखा देती है। लेकिन थोड़ा बहुत जो विश्वास हम किसी इंद्रिय पे कर सकते हैं वो कौन सी है, ये कान है। और शास्त्र हमारे बताते हैं कि मातृ गर्भ में सबसे पहले अगर कोई इंद्रिय विकसित होती है वो कौन सी होती है, ये कान ही होते हैं। इसलिए ये हमारे सबसे पुराने साथी हैं और ये हमारा साथ देंगे। लेकिन इन कानों से हमें करना क्या है, इन कानों से हमें भगवान की कथा को श्रवण करना है। और भगवान की कथा को श्रवण करते 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 हृदय निर्मल होगा और वहां पर आकर के ठाकुर जी का भी विराजमान होंगे। लेकिन ये सब की सब बात है, ये कब सिद्ध होंगी, जब हम साधु संघ में रह करके भजन करेंगे। और विशेष रूप से जो ये धन्य कलयुग कहा गया है, जो अभी कलयुग चल रहा है, और भी कलयुग आते हैं लेकिन ये जो कलयुग है इसको धन्य कलयुग कहा, क्योंकि इसमें स्वयं सचिनंदन गौर हरि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आए हैं। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उस धारा में हम लोग भजन करने की चेष्टा कर रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भाई ऐसा तो आप लोग ही बोल देते हो, क्योंकि आप गौड़ीय वैष्णव हो इसलिए आप बोल देते हो कि चैतन्य महाप्रभु उनकी धारा में आए। ऐसा नहीं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु, स्वयं राधा कृष्ण के मिलित अवतार है और अनेक शास्त्रों में उसके प्रमाण है। कुछ दिन पहले गुरुदेव ने बहुत सारे प्रमाण दे करके बातों को बताया था। लेकिन मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसके अंदर मैंने एक बहुत सुंदर बात पढ़ी तो मैं आपको बताता हूँ। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु भगवान है इस बात को कौन बोल रहे हैं, स्वयं नानक देव। नानक जी का नाम सुना है आप सबने, हाँ, नानक देव।
जो सिख धर्म के जो फाउंडर आचार्य कौन है? नानक जी। नानक जी, अभी गुरु जी बताया ना तीर्थ, नानक जी पूरे जीवन में 50,000 किलोमीटर चले। कितना चले? कोई चल सकता है इतना? नहीं। 50,000 किलोमीटर सब पैदल 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 इधर उधर मक्का मदीना तक गए, फिर बौद्धों के क्षेत्र में भी गए, फिर एक समय पर वो पुरी गए थे। आप सबने जगन्नाथपुरी का नाम सुना है? हमारे चार जो धाम है उसमें से एक धाम कौन सा है? जगन्नाथपुरी धाम। जब वो जगन्नाथपुरी धाम में गए, और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई है। किसमें लिखी हुई है? गुरु ग्रंथ साहिब में। और एक ग्रंथ है उड़िया भाषा में जो चैतन्य महाप्रभु की सारी लीला है, उसमें भी दोनों को एकदम मिला करके देखो, एकदम एकदम बोनिफाइड बात है, मतलब एकदम प्रमाणिक बात है, प्रूफ्ड है। उसके अंदर बता रहे हैं कि जब नानक देव मंदिर में एंटर हुए तो उनके साथ में उनका एक चेला था, उसका नाम था मर्दाना, वो मुसलमान था। मुसलमान होने के कारण मंदिर में प्रवेश, जगन्नाथपुरी में तो मालूम है अगर आप सत्य सनातन संस्कृति में हो तो प्रवेश मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। राहुल गांधी को भी जाने नहीं देते वो लोग अंदर, तो वो जो अंदर नहीं जाने दिया, तो वो जो प्रसाद वितरण होता है आनंद बाजार में वो मिला नहीं। बड़ा गुस्सा हो गया, बोला ऐसी जगह पे लेकर के आ गए मेरे को, यहाँ तो मेरे को ना खाने को मिल रहा ना पीने को मिल रहा है। नानक जी को चिल्लाने लगा, गुस्सा करने लगा वो मर्दाना, सारंग बजाता था, एक सारंगी होती है ना वाद्य यंत्र, वो बजाता था। तो वहां पर कैसे भगवान जगन्नाथ जो है उनकी प्रसाद की व्यवस्था करते, वो बड़ी कथा। लेकिन इसमें जो मूल बात यह है कि वो इतना दूर चल करके गए, और जब अंदर जाने लगे ना वापसी में, उनको रास्ते में कौन मिले? चैतन्य महाप्रभु मिले। किनको मिले? नानक देव को मिले। नानक देव ने उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके जैसे ही खड़े होकर के महाप्रभु चलने लगे, थोड़ी बहुत कुछ बात करें, तो वो बोलते कि महाप्रभु ने उनको बोला, बोला इतना दूर चल के आओ, जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करोगे? वो बोलते हैं जगन्नाथ के दर्शन ऑलरेडी मेरे को हो चुके हैं। किसके दर्शन हुए हैं? बोलो सचिनंदन गौर हरि की। वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन उनको हुए, तो बोल रहे जगन्नाथ के दर्शन हो ही गए। सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ, एक ही बात है। बाद में वहीं पर ही उसमें बताया कि कैसे ये वापस चैतन्य महाप्रभु से मिले। एक कीर्तन हुआ, महाप्रभु के साथ में नृत्य भी किया, और वहां पर बताया कि नित्यानंद प्रभु इनके मंत्र गुरु हैं, नित्यानंद प्रभु ने इनको मंत्र दीक्षा प्रदान करी है। ये सारी बातें, ये किन की बात बताई? नानक देव की। ये सब कॉन्टेम्प्रेरी सेंट्स है, माने एक समय पर जो जो संत एक साथ में प्रस्तुत थे, सारे संतों ने चैतन्य महाप्रभु को भगवान कह करके बताया। कि बाकी सब तो संत हैं, लेकिन इस सब संतों के बीच में मणि स्वरूप चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। क्योंकि देखो भगवान जब आते हैं ना तो पहले सब कुछ अनुकूल होता है, तभी तो भगवान प्रस्तुत होते हैं ना। तो इस भगवान के आने से पहले मुसलमानों के राज्य में भी इतना भयंकर भक्ति का प्रचार हुआ। आप स्वराष्ट्र में देखोगे, गुजरात में, तो वहां पे नरसिंह मेहता ने पूरा भक्ति का प्रचार करके रखा था। कहीं नानक थे, कहीं तुलसी देव थे, कहीं सूरदास जी थे, कहीं नामदेव थे, कहीं मीरा थी। ये सब मीरा जी ने भी बोला कि ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है। मीरा जी का एक कीर्तन है जग को यह माखन चोरा, नाम धरो बैरागी, अब तो हरी नाम लो लागी। ये मीरा जी कह रही है किसके लिए? चैतन्य महाप्रभु के लिए। कि पहले तो माखन चोर थे, हैं, घर घर जाकर के माखन चुराते थे, इतना सब करते थे। बोला आप क्या कर रहे हो? बोला ये सन्यासी भेष लेकर के क्या तुमको हरी नाम की लौ लग गई है? छेड़ रही है, एक तरीके से कटाक्ष कर रही है कृष्ण को, क्योंकि वो क्या बन करके आ गए हैं? चैतन्य महाप्रभु बन करके आ गए। इसीलिए उनमें तो बहुत सारे प्रमाण है, महाभारत के प्रसंग, सुवर्ण अंग हेमांगो वर्णांगस चंदनांगति संन्यास कृच्छाम शांति निष्ठा शांति परायण। चैतन्य महाप्रभु कहाँ कहाँ? भागवत के अंदर सब जगह प्रमाण है कि महाप्रभु जो कलयुग के अंदर सचिनंदन गौर हरि स्वयं कृष्ण बन करके आने वाले हैं। कितने शुक्लो रक्तस्तथापितं इदानं इदानीं कृष्णतां गता। ये स्वयं गर्गाचार्य भी कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा पुत्र है, इसने सत्युग के अंदर शुक्ल माने वराह अवतार लिया था, कभी त्रेता में रक्त वर्ण का हुआ था, अभी श्याम वर्ण का है, बाद में कभी पीत वर्ण का होगा। पीत वर्ण माने जो ये चैतन्य महाप्रभु का कॉम्प्लेक्शन है कैसा है? तप्त कांचन गौरांगी, एकदम तपे हुए सोने की तरह चैतन्य महाप्रभु का। इसीलिए जो भगवान की कथा साधु संग, उसमें भी विशेष रूप से जो चैतन्य महाप्रभु की धारा है, अगर उसका हम अवलंबन करेंगे तो शीघ्र अति शीघ्र भगवान की भक्ति हमारे हृदय में फलीभूत होगी। और तुलसीदास जी भगवान की कथा की महिमा बताते हुए एक बहुत सुंदर एक उनकी चौपाई है, दोहा है, उसमें कहते हैं कि एक कथा को क्या करना है? सुनना है, सुनत, गावत, कहत और समझत।
ऐसे बताया ना अनुमोदिता, मतलब भगवान की जो कथा है इसको कोई सुन ले, कह ले, समझ ले, तो समझ लो कल्याण हो ही गया। वो कहते हैं जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावही रघुवीर पद पाथो ज मधुकर दास तुलसी गावही, दास तुलसी गावही। ये जो जितनी भी भगवान की कथा है ये क्या करती है, हमको बहुत अति शीघ्र ऐसा रसिक बना देती है, जैसे गुरुदेव ने बताया ना काक पीक हव बको मराला, केवल एक ही चीज को फिर ढूंढते फिरेंगे। जैसे आप लोग देखो कहाँ कहाँ थे वृंदावन में इतनी जगह घूमने की, लेकिन सब छोड़ करके हरि कथा सुनने के लिए आ गए। कैसे? यही हरि कथा एक दिन हमको केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण मकरंद को पान करने वाला बना देती, और कोई कथा अच्छी ही नहीं लगती, केवल और केवल भगवान की ही कथा अच्छी लगती है। इसीलिए आप लोगों ने मेरे को इतनी देर तक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, यही बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ताई गौर हरि बोल हरि बोल, नीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। श्लोक याद किया, बोलो श्लोक।